एवं अभिनंदन करते हैं। काशी के सेवा के और विकास के इस अभियान में ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। साथियों, शंकरा आई फाउंडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे अवसर मिला है। जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में भी 100 बेडेड मैटरनिटी विंग का निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के साथ ही आज काशी में स्वास्थ्य की एक बेहतरीन सुविधा के क्रम में आरजे शंकर आई हॉस्पिटल की इस नवीन इकाई के शुभारंभ के अवसर पर काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशीवासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। आसपास के जो जिले हैं उनके पास संस्थागत मानव कल्याण में विश्वास करते हैं और वो संस्थागत मानव कल्याण नवीनतम चिकित्सक, नए नए पेशेवर सर्जन, बहुत नए नए नेत्र चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हैं। ट्रस्ट द्वारा संचालित पूरी दुनिया एक बार नए तरीके से ये समझे कि हम केवल धर्मार्थ कार्यों में ही या फिर हम केवल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा से आते हैं, जिस राजनीतिक विचारधारा